કાલે હું તમને સંભળાવતો હતો ને मानसकार ने कहा राम जी चंद्र हैं
Oh,
जो भरत भूमि में आया वो पूरे ब्रह्मलोक में कहीं नहीं मिलेगा, ब्रह्मलोक में पूर्ण करके लोग स्वर्ग जा सकते हैं। तो छेने पुण्य मर्चनों को संती, किंतु भगवान का भक्त कभी मर्चलोक में नहीं आता। भगवान का भक्त तो केवल परमात्मा के साथ रहता है। वैष्णव भगवान से कहते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुम्हें? वैष्णव कहते हैं कि मैं जितनी बार जन्म लूं उतनी बार भगवान का कोई न कोई अवतार हो रहे होता रहे, अथवा जब तक भगवान का अवतार हो तब तक मैं जन्म लूं। नरसिंह मेहता कहे छे वैष्णव जन तो हरिना जन तो मुक्ति न मांगे मांगे जन्म जन्म अवतार रे हरिना जन तो मुक्ति न मांगे मांगे जन्म जन्म अवतार रे नित उच्छ नित भक्तों की इच्छा से अवतार लेते हैं
और जहां जहां भगवान का अवतार होता है तगड़ों पाठक मोक्ष सुख को छोड़कर भगवान के साथ सेवा में रहते हैं। एक बार एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा मैं आपकी कुंडली बनाना चाहता हूं। मैंने विरोध में कहा कि मेरी कुंडली बनाओ। अरे कहे को तीन युगों की कुंडली तो मैं जानता हूं और चौथे युग की तुमने बनाना तो बना लो। आप तीन युगों की हम कहा मैं तीन युगों की कुंडली को जानता हूं। त्रेता की द्वापर की कली युग की कुंडली में जानता हूं। तो आप लोग सुन लो हम त्रेता में कौन थे द्वापर में कौन थे आज कौन है। त्रेता में वानर भय द्वापर में भय ग्वाल कलयुग में साधु भय तिलक छाप अरमान। हम त्रेता में वानर भगवान राम के साथ खेलते थे। हम द्वापर में ग्वाल हो गए ब्रज में कृष्ण भगवान साथ के। अब कलयुग में तिलक छाप और माला लेकर हम साधु बन गए। ये तीन जन की हमारी कुंडली है। हम तो आनंद है। इसलिए यही बात वैष्णव तो मुक्ति न मांगे मांगे जन्म जन्म अवतार हम यही मांगते हैं भगवान। हम जब जब जन्म ले तब तब कोई आपका अवतार हो आपके अवतार काल में ही हमारा जन्म हो। प्यारे प्यारे जन्म लो प्यारे प्यारे तुम्हारा कोई कोई अवतार था जूलिए भगवान। अर्थात तुम्हारा अवतार काल में मारो जन्म को ठीक है आपके अवतार काल में मेरा जन्म होना चाहिए। क्या बात है अद्भुत सगुण पाठक सभ्य तरह रहे मोक्ष सत्या हमें मोक्ष नहीं चाहिए हमको प्रभु आप चाहिए। मारू गीत प्रसिद्ध छे ना तमे मरण करो कौन गीत अर्थ जोई न धर्म काम जोई कौशल्या कुमार मन राम जोई कौशल्या कुमार मन राम संधताया सिंह वीर प्रतिधारी
ऐसे कह सकते हो राम जी की पांचों